हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनिस कुक। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बचे हुए चावल का बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी। और इसकी खास बात यह है कि सिर्फ एक चम्मच तेल में तैयार हो जाता है। तो चले अब हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोपहर के बचे हुए चावल लिए हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप जितने चावल लिए हैं और ये बासमती चावल है। आप चाहे तो कोई भी चावल का यूज कर सकते हो। अब नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार। उसमें बचे हुए चावल मैं ऐड करूँगी, साथ ही में मैं उसमें ऐड करूँगी 1/2 कप जितना बेसन। बेसन ऐड करने से नाश्ते का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। साथ ही में हम उसमें ऐड करेंगे दही। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप जितना दही लिया है और इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप जितना पानी। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ढक्कन को हम बंद कर देंगे और इसका हम बैटर बना लेंगे। यहाँ पर हमें इसे बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा रहे इस तरह से हमें इसका बैटर तैयार करना है। तो बैटर हमारा अच्छे से पीस चुका है, इसे मैं एक बाउल में ऐड करूंगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। आप देख सकते हो कि हल्का सा दरदरा है, हमने इसे बहुत फाइन नहीं पीसा है। अब इस नाश्ते को टेस्टी और थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 इंच जितना अदरक लिया है, साथ ही में मैं उसमें ऐड करूंगी 2 तीखी हुई हरी मिर्च। अदरक मिर्ची की पेस्ट ऐड करने से हमारे नाश्ते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर मैंने अदरक और मिर्ची की पेस्ट बनाकर तैयार कर ली है। अब हमने जो बैटर रेडी करके रखा था उसमें हम उसमें ऐड करेंगे। और साथ ही में बैटर में बाइंडिंग देने के लिए मैं उसमें ऐड करूँगी सूजी। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप जितनी सूजी ली है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अब हम उसमें स्वादानुसार थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और साथ ही में हम उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि बैटर की कंसिस्टेंसी हमें मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा पतला या तो फिर गाढ़ा बैटर हमें नहीं चाहिए। सारी चीज़ों को हम बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर इसकी फ्लेवर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हरा धनिया भी इसमें ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पर हमने सूजी का यूज़ किया है और सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए, सेट हो जाए, इसलिए हम उसे थोड़ी देर का रेस्ट देंगे। तो यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ही परफेक्ट है। बैटर को हम ढक देंगे और इसे हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि सूजी हमारी अच्छे से फूल जाए। जब तक हमारा बैटर रेस्ट करता है हम आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टीमर का कुकर लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे गर्म करने के लिए रख दूंगी। जब तक पानी हमारा अच्छे से गर्म होता है, यहाँ पर 10 मिनट हो चुकी है और अब हम बैटर को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सूजी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अब हमारे नाश्ते को थोड़ा सा फ्लफी और सॉफ्ट बनाने के लिए यहाँ पर मैं उसमें थोड़ा सा सोडा ऐड करूँगी। तो 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने सोडा का यूज़ किया है। अगर आपके पास सोडा अवेलेबल ना हो तो आप उसमें इनो का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर सोडा या तो फिर इनो ऐड करने के बाद हमें उसे बहुत देर के लिए नहीं छोड़ना है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक स्टीमर की प्लेट ली है। इसे मैं तेल से अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। यहाँ पर इस बात का खास ध्यान रखना है कि जितना बैटर को हमें स्टीम करना है, नाश्ता बनाना है, हम उसी बैटर में सोडा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लेट हमारी अच्छे से ग्रीस हो चुकी है। अब हम उसमें बैटर को पोर कर देंगे और प्लेट को हम स्टीम होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर कुकर में पानी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। प्लेट को हम कुकर में रख देंगे और इसे हम मीडियम गैस की फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक इसे स्टीम करेंगे। इस चावल का नाश्ता बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 मिनट में ही ये हमारा जो नाश्ता है वो स्टीम होके रेडी हो जाएगा। 10 मिनट हो चुकी है, अब हम एक बार इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अच्छे से
स्टीम होकर रेडी हो चुका है। एक बार हम चप्पू की मदद से इसे चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हो कि चप्पू हमारा क्लीन बाहर आया है, मतलब कि नाश्ता हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब हम प्लेट को बाहर निकाल देंगे। अब आगे की प्रोसेस के पहले हम उसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे, तो 5 मिनट के लिए ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर इसे रहने देंगे। 5 मिनट के बाद अब हम उसमें कट लगाएंगे। यहाँ पर मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ, आप चाहो तो यहाँ पर आपके मनपसंद शेप में इसे कट कर सकते हो। वैसे तो ये नाश्ता स्टेज पर खाने में भी अच्छा लगता है, लेकिन इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए हम उसमें एक वघार करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो नाश्ता है वो कितना अच्छा सॉफ्ट और फ्लफी बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब इस नाश्ते को और ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच तेल। जैसे ही तेल हमारा गर्म होता है मैं उसमें ऐड करूंगी थोड़े से सरसों के दाने, थोड़ा सा हम उसमें तिल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने व्हाइट तिल का यूज किया है, आप अगर तीखा खाना पसंद करते हो तो इस स्टेज पर आप कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो। हरी मिर्च ऐड करने से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हमने जो टुकड़ों को कट करके रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से टोस्ट करेंगे। यहाँ पर मेरे पास दोपहर के बचे हुए चावल थे, इसलिए मैं इसे डिनर में ले रही हूँ। अगर आपके डिनर में चावल बच जाते हैं तो आप सुबह के नाश्ते में भी इसे बना सकते हो। अब इसे और ज्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं उसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा सांभर मसाला। अगर आपके पास घर में सांभर मसाला अवेलेबल ना हो तो आप उसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा मैं उसमें चॉप किया हुआ धनिया ऐड करूंगी। सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो है ना, इसे बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही कम टाइम में बनकर हमारा ये बचे हुए चावल का नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपने इस तरह से नाश्ते को बनाया तो आप इसका टेस्ट कभी नहीं भूल पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार है। आप इस नाश्ते को ग्रीन चटनी के साथ या तो फिर टोमेटो केचप के साथ ले सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए रेसिपी के साथ और तब तक के लिए बाय बाय।